नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं भगवान महावीर के जीवनी के बारे में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन बालक महावीर का जन्म हुआ, जो बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बने तथा उन्हें भगवान महावीर के नाम से प्रसिद्धि मिली। यह वह समय था जब पशु बलि, हिंसा, आपसी वैर विरोध काफ़ी बढ़ गया था। भोग विलास सबको प्रिय लगा करता था। दुख दर्द से पीड़ित मनुष्य हाहाकार मचा रहा था, मगर उन्हें रास्ता दिखाने वाला, राहत पहुंचाने वाला, शांति प्रदान करने वाला कोई नहीं था। बिहार प्रांत के क्षत्रिय कुंड नगर में भगवान महावीर का जन्म पिता राजा सिद्धार्थ तथा माता त्रिशला देवी के घर हुआ था। वह इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत ज्ञात वंश के क्षत्रिय राजा थे। जैसे ही इनकी माता ने गर्भ धारण किया, पिता के राज्य में धन धान्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। यह आने वाली संतान का अच्छा द्योतक था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। वैशाली के सुविख्यात सम्राट चेटक की बेटी त्रिशला देवी ने अपने पुत्र के शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। अलौकिक शक्ति तथा ज्ञान के इस बालक में कोई कमी न थी। इन्होंने युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते क्षत्रियोचित कलाएँ एवं विद्याएँ सीख ली थी। सामाजिक विषमताओं ने उन्हें असहज कर रखा था। दुखी प्राणियों का उद्धार करने को चिंतित रहते थे। वैराग्य और करुणा इनके हृदय में स्थायी स्थान प्राप्त कर चुके थे। जीवन भर अविवाहित रहकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे, मगर माता ने इन्हें जैसे तैसे विवाह के लिए राजी कर लिया। राजा समरवीर की बेटी यशोदा देवी से इनका विवाह कर दिया गया, जिससे एक बेटी हुई, नाम था प्रियदर्शना। बाद में इसका विवाह जमाली नामक राजकुमार से संपन्न हुआ था। कुछ समय बाद दामाद राजकुमार जमाली ने भगवान महावीर से दीक्षा ली। बाद में इन्होंने अपना नया मत चला दिया, जो महावीर के मत से भिन्न था तथा उनका विरोध करता था। श्री महावीर के माता पिता का देहांत इनकी युवावस्था में केवल 28 वर्ष की आयु में हो गया तथा इन्हें उनकी कमी खूब खला कर दी थी। वर्धमान संन्यास लेकर जाना चाहते थे, मगर महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने इन्हें 2 वर्ष गृहस्थ बने रहने के लिए राजी कर लिया। इन्होंने खूब दान पुण्य करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। धन बहुत था, हृदय उससे भी विशाल। इस प्रकार उन्होंने हजारों गरीबों की गरीबी दूर की। अंततः 30 वर्ष की आयु में विरक्त होकर घर त्याग कर चल गए। पूरे 12.5 वर्षों तक घोर तप किया। 6-6 महीने बिना अन्न के रहा करते थे। महीनों तक उपवास और उसमें भी खड़े होकर तप, निद्रा और आलस्य को करीब नहीं आने दिया। 12.5 वर्षों में कुल 34 दिन महावीर ने भोजन किया, वह भी एक ही बार दिन में। इनके द्वारा सहन किए गए कष्टों के कारण इंद्र ने ही इनका नाम वर्धमान से महावीर रखा। इन्होंने अपने जप, तप तथा प्रभु कृपा से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लीं। उन्होंने 4400 विद्वानों को वेदों का यथार्थ अर्थ समझाया। चारों वर्णों के गृहस्थ तथा साधु इनके शिष्य थे। मैतार्य और हरिकेशी शूद्र होकर भी इनके शिष्य थे। इनके जीवन की विशेषता स्याद्वाद थी। इन्होंने 30 वर्ष तक उपदेश कार्य किए। राजगृह, श्रावस्ती तथा वैशाली जैसे प्रमुख नगरों में इन्होंने चातुर्मास किए। कार्तिक कृष्णा अमावस्या को पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में निर्माण को प्राप्त हुए। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।